इस वक्त खबर आ रही है कि चीन जो है वो ताइवान के कई ठिकानों पर इस वक्त तैयारियां कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी, जिसके बाद से ये खबर आई कि ताइवान पर चीन लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि चीन समंदर को पार करके फिलहाल ताइवान के आसमान में तैयारियां कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, उसे प्रवोक कर रहा है, मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि उसके 6 विमान जो हैं वो इस वक्त ताइवान के आसमान पर मंडरा रहे हैं और एक बड़ा संदेश जो है वो ताइवान को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए ये नक्शा भी हमने आपको सामने दिखा रखा है, ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ये चीन का हिस्सा है मेरे सामने, और यहां पर जो ये छोटा सा हिस्सा है वो ताइवान का है। इनके बीच में समंदर बहता है, लेकिन समंदर को पार करके चीन ताइवान के आसमान में इस वक्त मंडरा रहा है, उसके विमान जो हैं वो मंडरा रहे हैं, और यहां से विरोध जो है वो और ज्यादा तेज दिखाने की कम से कम कोशिश जो है वो भी की जा रही है। तो इस ग्राफिक जरिए, इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये चीन का नक्शा जो है, ये बड़ा क्षेत्र जो है ये चीन है, और चीन से थोड़ी सी दूरी पर एक आइलैंड की तरह जो ये नजर आ रहा है ये द्वीप, ये ताइवान है। वही ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत उस पर अपनी बात करता। और इधर देखिए, यहां पर अगर मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ, तो यहां पर देखिए ताइवान के आसमान में आपको चीन के लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त ताइवान के आसमान की तस्वीरें हैं। नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद चीन लगातार कह रहा था कि हम ताइवान पर शिकंजा कसेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा, अमेरिका आग से ना खेले। और अब अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तमाम जो विमान हैं चीन के वो इस वक्त ताइवान के आसमान पर हैं। 6 विमान ऐसे हैं जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीर देखिए आप, ताइवान के पास उनके लड़ाकू विमान जो हैं वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ताइवान का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है या उनकी एयरफोर्स है वो काफी ज्यादा सशक्त है, मजबूत है, क्योंकि अमेरिका ने उनके पायलटों को ट्रेन कर रखा है। लेकिन यहां पर ये जो युद्धाभ्यास है ये एक संकेत है कि आगे आने वाला वक्त ताइवान के लिए अच्छा नहीं। तो युद्धाभ्यास की तस्वीरें ताइवान सीमा के पास, कहा जा रहा है कि ताइवान के आसमान में भी चीन के जो विमान है वो गए। उससे पहले प्रोपेगेंडा वीडियो जो है वो भी जारी किया गया। ये तमाम जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ग्लोबल टाइम्स के जरिए इन तमाम वीडियो को जारी किया गया था, और इन वीडियोस को जारी करके चीन ने अपनी तैयारी के सबूत दिए हैं कि किस प्रकार से वो तैयारियां कर रहा है ताइवान से निपटने के लिए, अमेरिका से निपटने के लिए। हालांकि ताइवान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं।稍远，再加上受天候条件影响，目标与炸点的识别与捕捉难度更大。